हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं डी और एफ ग्लोब के तत्व है, जो कि हमारा आठवां लेसन है और तीन नंबर का होता है। और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आज हम पढ़ेंगे 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 3D श्रेणी, पहले तो ये देखते हैं 3D श्रेणी में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो याद रखना, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये 21 नंबर से लेकर के और 30 नंबर तक के सारे तत्व 3D श्रेणी में शामिल होते हैं। और इन्हीं 3D श्रेणी के एलिमेंट्स का आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सीखेंगे, कैसे लिखा जाता है। तो कंटिन्यू कर देता हूं, ये 22 नंबर पर, ये 23 पर, ये 24 और ये 25, 26, 27, 28, 29 पर 30 हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि इसे 3D श्रेणी बोलते हैं। याद रखने के लिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एक बात यहां याद रखना, यहां कंफ्यूज मत होना, यहां सी के पैरों में ओ, यानी सी तो बड़े आकार का आएगा, ओ छोटे आकार का आएगा। कई बार हम देखते हैं स्टूडेंट जैसे बराबर आकार का ओ लिख देते हैं। ये कोबाल्ट नहीं, ये तो कार्बोनिल है, इसे तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हो, इसे आप कार्बोनिल बोलते हो सेकेंड केमिस्ट्री के हिसाब से। और सी ओ यू लिखोगे ये कोबाल्ट बन जाएगा। सी तो बड़े आकार का और छोटे आकार का ओ, तो कोबाल्ट होगा। अगर सी के बराबर आकार का ओ लिख दोगे तो फिर कार्बोनिल होगा और उसे ही आप कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हो। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इनको आप याद कैसे रखोगे। याद रखने के लिए हम क्या बनाते हैं, अपना अपना एक तरीका होता है याद रखने का। तो जैसे यहां इसको याद रखने के लिए आप यू बोल सकते हो, सानिया तेरी वाली कार में फिर कोई निकला, फिर कोई निकला। सी यू का बोल देना काला, ठीक है। जेड एन का बोल देना जेवर, जेवर आप जानते हो आभूषण को बोलते हैं, सोने चांदी के आभूषण जेवर कहलाते हैं। तो ये तो याद रखने का तरीका है कि सानिया तेरे वाली कार में फिर कोई निकला काला जेवर। इस प्रकार से आप स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक 3D श्रेणी के 30 तत्वों को याद कर पाओगे, उनको याद रख पाओगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक तक आपको याद रखना है। आप किसी भी तरीके से याद कीजिए, हमें तो बस ये याद होनी चाहिए। और अब हम क्या करते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखना सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक को हमने एक के बाद एक क्रमबद्ध व्यवस्थित कर लिया है 21 नंबर परमाणु क्रमांक से चल करके, ठीक है ना। याद रखना कि 30 तक वाले सारे के सारे 3D श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो 3D श्रेणी का ही हम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखना सीख रहे हैं। तो ध्यान देना आप कैसे लिखोगे। अगर आपको पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद नहीं हो रहा है, जैसे आप सपोज कीजिए आपने स्कैंडियम का यू लिखा था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और 4s2, ये आपको अगर ध्यान में नहीं आ रहा है तो एक तरीका और है। याद रखना, निष्क्रिय गैसों के बारे में आपने पढ़ा है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, उनके बारे में पढ़ा है आप लोगों ने। तो यहां याद रखना कि हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये आती है 2, 10, 18, 36, 54 और 86 नंबर पर आती है। ये इनका परमाणु क्रमांक होता है। उम्मीद करता हूं 11th क्लास
क्लास के हिसाब से आपको थोड़ा याद होगा, 2, 10, 18, 36, 54, 86 ये इनका परमाणु क्रमांक होता है और ये निष्क्रिय गैसें कहलाती हैं। अगर हमें इनका विन्यास लिखना है तो इनकी क्या भूमिका है, अभी बता रहा हूं। अगर इनका विन्यास लिखोगे इस प्रकार तो बहुत लंबा हो जाएगा, हो सकता है आपको याद हो तो अच्छी बात है, अगर आपको याद ना हो तो एक तरीका होता है निष्क्रिय गैस पास में लगा करके फिर उसका विन्यास लिखना। तो जैसे इनका विन्यास 21 से लेकर के 30 तक बनाना है, 30 तक बनाना है तो आप याद रखना 21 से 30 तक बनाओगे तो 21 से 30 तक बनाओगे तो आप इस 18 नंबर वाली आर्गन को ले लेना, आर्गन को, 18 नंबर वाली आर्गन को। और 18 नंबर वाली आर्गन है उसमें देखना एक मिनट कि 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 18 वाली आर्गन का विन्यास लिखोगे तो इतना विन्यास बन जाएगा, 18 तक आओगे तो इतना विन्यास बन जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात क्या? यानी मैं आपको यहां आर्गन का, अगर आर्गन का विन्यास लिखकर बताऊं तो बनता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, ठीक है ना। 2, 2, 4, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 तो आर्गन का 18 पूरा हो गया। ये 18 वाला यहां तक बनता है कि नहीं बनता आर्गन का? तो आप क्या कर सकते हो, इतने विन्यास के स्थान पर आर्गन गैस को रख सकते हो और बाकी आप आगे याद रखना 3d1 4s2, यानी 21 वाला लिखा है, 21 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 1 है तो 3d1 और 4s2 कर दोगे। आगे 22 वाला लिखोगे, 22 कौन है, टाइटेनियम है, टाइटेनियम है, टाइटेनियम का लिखोगे तो आर्गन का तो ये सेम आ जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 22 के हिसाब से 3d2 4s2, 22 के हिसाब से यानी 22 में इकाई का अंक 2 है तो 2 यहां डी में लाते जाना 3d2 हो जाएगा, 4s2 तो सारों में कॉमन चलेगा, 4s2 तो सारों में कॉमन चलेगा, आपको तो डी में भरना है, डी में 21 वाले के डी में 1 आ जाएगा, 22 वाले के डी में 2 आ जाएगा, 23 वाले के डी में 3 आ जाएगा, 24 वाले के डी में आपके 4 आ जाएगा, इस प्रकार से यू। तो फिर आर्गन को आप ले सकते हो या फिर इतना लंबा लिखो तो ये हो सकता है, मैं यहां आपको यू समझाता हूं, ठीक है ना। जैसे आप यू लिख सकते हो, आपसे स्कैंडियम का विन्यास पूछे कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो आप यूं कर सकते हो स्कैंडियम 21 लिखोगे और उसके कोष्ठक में आगे यहां AR आर्गन लगा दोगे, और आर्गन आप जानते हो 18 नंबर पर आती है, आर्गन कितने पर आती है 18 पर, तो आप इसके आर्गन आगे लगा दोगे ब्रैकेट में, तो आर्गन का विन्यास कितना होता है 18 वाली का, 18 वाली का होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 6 तक होता है, यानी इतना आर्गन का होता है इतने वाला, तो इतने वाला तो आर्गन का ऑटोमेटिकली यहां बन गया, और उसके बाद में क्या बचा है 3d1 4s2, तो आप क्या लिखोगे 3d1 4s2, आई बात समझ में। अब 22 का लिखोगे तो यहां क्या करोगे, यहां सेम वही आर्गन लिखोगे, आर्गन और 18 लिख दोगे पैरों में, आर्गन का 18 पूरा हो जाएगा तो 22 है, तो यहां क्या आएगा 3d2 4s2, यानी 4s2 में तो सारों में कॉमन रहेगा, 3d में इलेक्ट्रॉन आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार 23 का लिखोगे, 23 का तो आप लिखोगे आर्गन और पैरों में 18 कर लेना, यहां 3d याद रखना इकाई का अंक 3 है तो 3d3, और 4s2 तो आगे सारों में लगाना है, 4s2 सारों में लगाना है, आई ना बात समझ में। 24 क्रोमियम का लिखोगे, हाँ थोड़ी एक बात बताऊं, क्रोमियम और कॉपर में याद रखना, आप उम्मीद करता हूं आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा कि क्रोमियम और कॉपर पूरी आवर्त सारणी में दो तत्व ऐसे हैं जो ऑफ वो सिद्धांत यानी N+L के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से विचलन दर्शाते हैं, डायनेशन दर्शाते हैं, जो कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे वो विन्यास से उन्नत पलट जाएगा, विचलन दर्शाएंगे वो। तो क्रोमियम और कॉपर में थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, और अभी हाल ही में एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम आयोजित किया गया था जेट वाला, उसमें क्रोमियम और कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 ऑप्शन देकर पूछा गया था, तो याद रखना क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें थोड़ा सा डेविएशन है और वो आपको मैं यहां बताऊंगा। पहले सामान्य विन्यास लिखोगे, लिखने के बाद में उसे पलट देना, वो विन्यास सही हो जाएगा। तो क्रोमियम में आप इसके ब्रैकेट में भी आप AR आर्गन लिखना, और आगे ध्यान देना 3D और 4S, 4S2 तो आप सारों में लिखते हो तो कोई बात नहीं लिखना,
थ्री डी में फोर लिखूंगा, मान लेता हूं कि आई आई का चार चार लिख दूंगा, लेकिन याद रखना 3D और 4S कक्षों की ऊर्जा में अंतर कम होता है, इसलिए जब इनको थोड़ी सी ऊर्जा दी जाती है क्रोमियम को, तो याद रखना S का इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है, D में पांच हो जाते हैं, अर्थात अर्धपूरित विन्यास हो जाता है, और अर्धपूरित विन्यास होने से ऐसा विन्यास स्थायी हो जाता है। तो क्रोमियम में याद रखना विन्यास थोड़ा चेंज होगा, और इसी प्रकार कॉपर में भी थोड़ा विन्यास चेंज होगा। मूल तो यह बनता है, लेकिन हमें यह नहीं लिखना है, हमें अब थोड़ा चेंज करना है। मूल क्या बनेगा? 4s2 बनेगा, सही है। 3d 4 इकाई का चार है, चार बनेगा, लेकिन इसको चेंज करना कि यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ले आना, तो यहां पांच हो जाएगा, यहां वन हो जाएगा, इसे बोलूंगा मैं अर्धपूरित अवस्था, क्योंकि डी में अधिकतम 10 आते हैं और डी में पांच भरे तो योगी अर्धपूरित अवस्था। तो आपने 11th में पढ़ा है अर्धपूरित कक्षक है वो ज्यादा स्थायी होते हैं, तो यहाँ अर्धपूरित विन्यास बन गया, तो वो विन्यास अन्य विन्यासों की तुलना में स्थायी होता है। मैग्नेट्स की बात करूं तो आप यहाँ ARR लगा देना आगे, और यहाँ 3D और 4S का लेना, 4S में तो 2 भर देना, इकाई का अंक 5 है तो D में 5 कर देना। आगे FE का लिखो तो AR लिखने के बाद में 3D और 4S कर देना, S में तो 2 भर देना, और देखो इकाई का अंक FE में 6 है तो यहां 6 कर देना डी में। इसी प्रकार कोबाल्ट में लिखो तो कोबाल्ट में AR कर देना, AR आर्गन का विन्यास। इसी प्रकार आगे 3D और 4S2 कर देना, और 4S2 में फिर क्या करोगे याद रखना, 2 करने के बाद में डी में इकाई का अंक 7 है तो डी में 7 आ जाएगा, जो यहां इकाई का अंक दिखाई दे रहा है वो डी में लगाते जाना। इसी प्रकार निकल में आर्गन लिखोगे, आर्गन लिखने के बाद में 3D और 4S2 कर देना, 3D में इकाई का अंक 8 आ रहा है 28 में तो 8 कर दूंगा यहां पर। हाँ, अब वो वाला कॉपर आ रहा है, कॉपर क्रोमियम दोनों आवर्त सारणी में N+L के नियम का विचलन दर्शाते हैं, डेविएशन शो करते हैं। तो फिर यहां आर्गन लिखने के बाद में ध्यान देना 3D और 4S तो लिखूंगा, लेकिन नियम तो क्या है, नियम तो ये कहता है 4s में 2 आएगा, 3d में 9 आएगा, लेकिन s वाला एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है तो यहां 9 के बजाय 10 हो जाते हैं, और वहां 2 की बजाय 1 हो जाता है, वहां तो s में 2 आने की बजाय 1 हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहां d9 है, इकाई का अंक 9 है तो 9 आएगा, तो वो यहां चला आएगा। तो कॉपर और क्रोमियम दो में आप ध्यान रखना, दो में विन्यास चेंज कर लेना, और एग्जाम में पूछा जा सकता है क्रोमियम और कॉपर वाला, क्योंकि ये N+L नियम का पालन नहीं करते हैं। और इसी प्रकार आप लास्ट जिंक का लिखोगे तो जिंक में 3D और 4S लिखने के बाद में S में 2 करने के बाद में D में 10 बन जाएगा। जी हाँ, 0 का अर्थ है यानी 10, यानी 8, 9 और 10 बन रहा है तो D 10 कर दोगे। इस प्रकार से ये 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो जाएगा। संक्रमण तत्वों के गुण, तो याद रखना गुणों की हम बात करें तो सभी संक्रमण तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? धात्विक प्रकृति के होते हैं, और धात्विक प्रकृति का तात्पर्य है कि ये सभी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धात्विक प्रकृति का अर्थ है कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। तो हम बोलेंगे कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो धात्विक प्रकृति के होते हैं। याद रखना ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। किसके? विद्युत और जो ऊष्मा होती है ऊष्मा के ये सुचालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो ये भी सामान्य सी बात आपको ध्यान में रखनी है। याद रखना ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। सभी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं? चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। चुंबकीय गुण दर्शाने का अर्थ है कि एलिमेंट मतलब प्रतिचुंबकीय भी होते हैं, अनुचुंबकीय भी होते हैं, तो चुंबकीय गुण है वो दर्शाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हम बात करें इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, तो इनमें उच्च गलनांक व क्वथनांक होते हैं, इनमें उच्च गलनांक क्वथनांक पाए जाते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है कि इनके गलनांक और क्वथनांक के मान काफी उच्च होते हैं। फिर याद रखना अगर
ट्रांजिशन एलिमेंट को आप काटते हो, इन धातुओं को आप काटते हो, तो धातुओं की सतह आपको चमकती हुई दिखाई देगी, तो ये धात्विक चमक उत्पन्न करते हैं। ये जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ये धात्विक चमक उत्पन्न करते हैं। ये सामान्य सी बात आपको याद रखनी है कि आप, जैसे आपने देखा होगा कि आप लोहे को अगर बीच में से काटते हो और तो वो लोहा बीच में से आपको जहां से काटा है वहां से आपको थोड़ा सा चमकता हुआ दिखाई देगा, तो धातु हैं वो हमेशा इस डी ब्लॉक वाली ये धात्विक चमक उत्पन्न करती हैं। इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। कौन सा? आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। ये आघात वर्धनीयता और तन्यता क्या होती है, याद रखना कि जब आप इन पर चोट मारते हो तो उनको चदरों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी चोट मारते हो तो इनकी चोट मार करके और लंबी चदरें बनाई जा सकती हैं, और तन्यता इनके चोट से इनके लंबे तार खींचे जा सकते हैं। तो चोट मारकर इनके लंबे तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता मैं यूं बोल दूं कि इनसे लंबे तार बनाए जा सकते हैं, तो वो गुण है तन्यता, और चोट मारकर इन्हें चदरों के रूप में ढाला जा सकता है, तो वो है आघात वर्धनीयता। तो ये सामान्य से गुण इसमें आप ध्यान में रखना। ट्रांजिशन एलिमेंट की श्रेणी में आप बाएं से दाएं जाओगे, तो जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाओगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बढ़ेगी तो धातुओं की कठोरता भी बढ़ेगी। मैं आपको यूं समझा रहा हूं, जैसे स्कैंडियम है और फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और आप जिंक 30 तक आते हो 21 से लेकर के। याद रखना आप सारों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिख कर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप इस साइड से यहां यूं आओगे तो याद रखना अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैं कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, नॉन पेयर की, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, अगर यह संख्या बढ़ती है अयुग्मित वाली, तो वैसे वैसे धात्विक कठोरता बढ़ेगी। अगर आपको यूं ना समझ में आ तो यहां यूं समझ लीजिए, जैसे एक तो मैं विन्यास लिखूं स्कैंडियम का, किसका विन्यास लिखूं, स्कैंडियम का, देखिए फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 और 3d1, आई ना बात समझ में, मैंने विन्यास लिखा किसका, स्कैंडियम का, और यहां डी में देखिए ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, तो हमें डी का विन्यास देखना है। डी में अब देखिए इस प्रकार से पहले डी का बॉक्स बनाएंगे, आप जानते हो पांच होते हैं, तो यूं इस प्रकार से पांच लगा दूंगा, और डी में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से यूं भर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब आप टाइटेनियम में जाओगे, टाइटेनियम में कितना, 22 आता है ना 22, तो यहां कितना जाएगा, टाइटेनियम का लिखूंगा तो यहां 3d2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक बात बताना, टाइटेनियम का यहां बना लेता हूं, जैसे ये तो बन गया स्कैंडियम का, ये तो किसका बन गया, स्कैंडियम का, टाइटेनियम का यहां बना लेता हूं आपके सामने, टाइटेनियम का, तो टाइटेनियम का मैंने यहां इस प्रकार से ये बना दिया टाइटेनियम का, तो टाइटेनियम में विन्यास कितना है, टाइटेनियम में 22 पर आता है तो 3d2 हो जाएगा, 4s2 3d2 हो जाएगा, तो डी देखना है तो डी में यहां 2 आ जाएंगे टाइटेनियम में। टाइटेनियम के बाद फिर वैनेडियम का देखते हैं 23 नंबर वाले का, 23 नंबर वाले में क्या होगा, 4s2 3d3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3d3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं वैनेडियम का यहां बना देता हूं इस प्रकार से, देखिए वैनेडियम का यहां बना देता हूं, वैनेडियम में कितने, 3 आ जाएंगे, यहां 3 आ जाएंगे, इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा। आप जानते हो एक साथ इकट्ठे 3 नहीं भरे जाएंगे, आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है कि हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम होता है, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम होता है, उसके अनुसार पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और एक एक इलेक्ट्रॉन जब पूरे भर देंगे फिर उसके बाद इसकी पेयरिंग करते हैं, फिर युग्मन करते हैं, युग्मन पहले नहीं किया जाता है, वो हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम है, उससे भरते इलेक्ट्रॉन। तो अब आपके वैनेडियम में 3 पूरे हो गए,
अब क्रोमियम में चलते हैं, यहां क्रोमियम में चार, यानी चॉइस चॉइस तो डी में चार आ जाएगा, डी में चार आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैं डी बना देता हूं क्रोमियम के लिए, ठीक है ना, ये वैनेडियम का, ये क्रोमियम के लिए। तो क्रोमियम में एक दो तीन और ये चार आ जाए क्रोमियम में। Mn मैग्नीज 25 नंबर पर आता है, 25 पर आता है, तो D में कितने हो जाएंगे, 4s2 3d5 हो जाएंगे, 3d5 हो जाएंगे। तो यहां मैं Mn का यहां बना देता हूं, Mn का इस प्रकार से यहां बना देता हूं। अब देखिए Mn में 3d5 हो जाएंगे, तो 5 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, हो जाएगी ना। तो एक बात बताइए, स्कैंडियम में D में, स्कैंडियम के D में एक है, यानी एक अयुग्मित है, युग्मित तो नहीं है ना, नॉन पेयर है, नॉन पेयर एक ही है, और टाइटेनियम में नॉन पेयर दो है, और वैनेडियम में नॉन पेयर तीन है, और क्रोमियम में नॉन पेयर चार है, ठीक है ना, और मैग्नीज में नॉन पेयर पांच है। बताइए यहां से आप यहां तक आए तो बताइए अयुग्मित अर्थात नॉन पेयर की संख्या बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। यहां तो नॉन पेयर देखिए, स्कैंडियम में एक ही था, टाइटेनियम में दो हुए, वैनेडियम में तीन हुए, क्रोमियम में चार हुए, मैग्नीज में पांच नॉन पेयर हुए। जैसे जैसे नॉन पेयर की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे धात्विक कठोरता बढ़ती जाती है। कहने का अर्थ ये स्कैंडियम मुलायम होगा, क्योंकि इसमें नॉन पेयर की संख्या एक ही है, तो ये मुलायम होगा, और जैसे जैसे नॉन पेयर की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कठोरता बढ़ेगी, तो Mn सर्वाधिक कठोर हो जाएगा। ये तो मुलायम होगा, ये कठोर होगा। बताइए कठोर क्यों होगा, क्योंकि Mn में सबसे अधिक नॉन पेयर उपस्थित है, क्योंकि Mn में सबसे अधिक नॉन पेयर उपस्थित है। तो जैसे जैसे नॉन पेयर की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे कठोरता है वो बढ़ती है, तो ये सबसे अधिक रिजिड हो जाएगा। ये तो सॉफ्ट होगा, ये रिजिड हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉन पेयर की संख्या बढ़ गई। जैसे जैसे नॉन पेयर की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे याद रखना कठोरता बढ़ेगी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे, प्रश्न यहां ये बनता है कि स्कैंडियम तो मुलायम होता है जबकि Mn कठोर होता है, क्यों, समझाइए। तो आप बोलोगे स्कैंडियम से Mn तक जाने पर नॉन पेयर की संख्या अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते बढ़ते बढ़ती जाती है, यानी स्कैंडियम में तो केवल एक ही आपके नॉन पेयर होता है, जबकि यानी कहने का अर्थ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि Mn में और पांच अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांच अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे धात्विक कठोरता बढ़ती है। तो Mn तो कठोर धातु होती है, स्कैंडियम मुलायम धातु होती है, क्योंकि स्कैंडियम में केवल एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि Mn में सबसे अधिक पांच अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी धात्विक कठोरता सर्वाधिक होगी। तो इस प्रकार आप ये सामान्य सी बात ध्यान